आई एम अ यूट्यूबर एंड आज की वीडियो बहुत 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 स्पेशल है बिकॉज आफ्टर टू होल ईयर्स आई गेट टू ट्रैवल और आज हम जा रहे हैं हम्पी। इस समय मैं अभी मणिपाल में हूँ, हमारी टैक्सी हमने बुक कर ली है और वो आएगी। यहाँ से अराउंड 8 से 10 घंटे का रास्ता है, तो अगले 2-3 दिन में हम्पी और उसके आस पास की जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो या लेट्स गो टू हम्पी। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. तो अभी हम लोग हेबरी में रुके हुए हैं। वी आर हियर फॉर ब्रेकफास्ट एट दिस प्लेस कॉल्ड सीता नदी। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मिलेगा यहाँ पे एंड यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे आगे। तीर्थहल्ली और शिमोगा पड़ेगा, पूरे माउंटेनियस एरिया है एंड फिर हम लोग हम्पी यहाँ से पहुँचेंगे। But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. तो अभी हम लोग शिमोगा में रुके हैं एंड हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो मेरे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक एलिफेंट कैंप है विच इज़ कॉल्ड सक्रेबाइल एलिफेंट कैंप। तो हम लोग वहाँ रुके हैं एंड लेट मी शो यू गाइस। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है, पर पर्सन द चार्ज वॉज 50 रुपीज़ एंड पार्किंग का अलग से 25 रुपीज़ उन्होंने लिया है। यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क भी है पीछे, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो बच्चों के लिए भी है खेलने के लिए। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, यहाँ पे एक नदी टाइप की है, वहाँ पे मुझे एलिफेंट्स दिख रहे हैं तो मैं दिखाती हूँ। तो हमारे पीछे यहाँ पे एलिफेंट्स को नहला रहे ये लोग। यू कैन ऑल्सो गिव द एलिफेंट्स अ बाथ, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे टू गिव देम अ बाथ। तो मेरे पीछे आप एलिफेंट्स देख सकते हैं। ये लोग यहाँ पे सिर्फ 11 बजे तक रहते हैं, यहाँ की टाइमिंग्स इज़ फ्रॉम 8 to 11, 11:30 के अराउंड। उसके बाद जो एलिफेंट्स हैं वो वापस फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो जब आप आओ तो यहाँ पे सुबह सुबह ही आना। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि किस टाइप का एलिफेंट है, बट दे आर इन कनाडा सो आई के नॉट अंडरस्टैंड वॉट दे आर सेइंग। बट या मैं आपको एलिफेंट्स अभी दिखाती हूँ। सो या दिस वॉज द एलिफेंट कैंप। यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आई थिंक यू कैन गेट एन एलिफेंट राइड, बट मुझे उसका इन्फॉर्मेशन बोर्ड दिखा नहीं तो आई एम नॉट श्योर। बट या दिस वॉज अ वेरी क्यूट प्लेस एंड अगर आप शिमोगा से गुजरो तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। I finally checked into the room. मैं आपको अभी एक रूम टूर दूंगी। मैं कुछ पॉइंटर्स आपको बता दूं कि हमने ये होटल क्यों चूज़ किया और यहाँ की एक दो चीज़ें। हमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, हमने वो वाला ऑप्शन बुक किया था। पूल भी है यहाँ पे लेकिन इस समय फंक्शनल नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना। इस होटल में सिर्फ एक ही फ्लोर है एंड देयर इज नो लिफ्ट। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ आ रहे हो जो स्टेयर्स नहीं क्लाइंब कर सकता है तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। हमने ये होटल चूज किया था क्योंकि ये जो होटल है इसका लोकेशन काफी कन्वीनियंट है। यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे सारे मेजर अट्रैक्शन हैं। दिस इज इन कमलापुर। यूजुअली जो हम पे आते हैं लोग दे स्टे इन होस्पेट विच इज अ फ्यू किलोमीटर अवे, बट हमने क्लार्कसन इसलिए चूज किया बिकॉज दिस वॉज कन्वीनियंट।
यहाँ पे टीवी भी है, एक कबर्ड भी है जहाँ पे आप सामान रख सको। इन लोगों ने एक सेफ भी दे रखा है जहाँ पे आप अपने वैल्यूएबल स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर दे ऑल्सो हैव अ मिनी फ्रिज, छोटा सा वर्किंग डेस्क भी है, यहाँ पे एसी भी है। ये रहा वॉशरूम, अंदर शावरिंग एरिया है, टॉवल्स दे रखी हैं इन लोगों ने, टॉयलेटरीज हैं होटल की तरफ से। तो मैंने आप लोगों को रूम टूर दे दिया है, रूम इज नाइस। हम लोगों को कुछ 2800 प्लस टैक्सेस का पड़ा था ये रूम। बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन इट इज अ नाइस रूम। तो मैं ये वाला व्लॉग नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ, बट सिंस मैं इस वीडियो में होटल के डिटेल्स सारे डाल रही हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट होटल का आपको इसी व्लॉग में दिखाती हूँ। पहला डेस्टिनेशन इज द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ क्लार्कसन। इधर क्लार्कसन, हेलो, हाय, हेलो, इधर क्लार्कसन है और उसके जस्ट सामने उधर पीछे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जहाँ पे हम जा रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम हो आए, वहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, बट मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। पर पर्सन टिकट वॉज 40 रुपीज़ अगर आप कैश में पे कर रहे हो, और अगर आप कार्ड से पे कर रहे हो तो इट वॉज 35 रुपीज़ पर पर्सन। इफ यू आर अ हिस्ट्री बफ यू विल लाइक दैट प्लेस, बहुत कुछ है वहाँ पे देखने को। मैं गूगल से कुछ पिक्चर्स ढूंढ के डाल देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, आइडिया हो जाए कि वहाँ पे क्या है। Now we are heading towards Tungabhadra Dam. वहाँ पे एक पार्क भी है जहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन होता है। वो हम्पी से जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहाँ से कुछ 16-17 किलोमीटर्स दूर है, तो हम लोग अभी उस तरफ हेड कर रहे हैं। हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी थी, पार्किंग का इन लोगों ने 30 रुपीज़ लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा अंदर आए तो हमें पता चला कि हमें काफ़ी ज़्यादा चल के जाना पड़ेगा, विच इज़ अबाउट 2 किलोमीटर्स एंड चढ़ाई थी। तो यहाँ पे बस सर्विस है 20 रुपीज़ पर पर्सन में, वो आपको ऊपर भी ले आएंगे और वापस नीचे भी छोड़ देंगे। तो हम लोग बस से आए हैं यहाँ पे। लोग यहाँ उतरे हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ जाना है। एक ही पाथ है यहाँ पे तो हम उस पर अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे लोग जाते हुए दिख रहे हैं तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ क्या है। फाइनली पता चल गया है ऊपर क्या है। दिस इज जस्ट अ व्यू पॉइंट जहाँ से आपको पूरा बहुत ही सुंदर सा एक व्यू मिलेगा। जो पार्क है वो नीचे ही है तो हमें उसके लिए नीचे वापस जाके आगे चलना होगा, बट अगर आप बस से आ रहे हो ऊपर देखने तो इट इज़ अ व्यू पॉइंट जहाँ पे आप डैम को ऊपर से देख सकते हो और पीछे पूरा शहर भी दिखता है। बस वाले ने हमको एक मिड पॉइंट पे उतारा है जहाँ पे बस स्टैंड भी था, तो उस पॉइंट के पास इस थिरुमला पार्क। हम लोग अभी पार्क से निकल आए हैं और हम लोग ढूंढ रहे हैं कि किधर है म्यूजिकल फाउंटेन। वो कह रहे हैं कि आगे जाके है। गाइस हम लोग अभी रोड से उतर रहे हैं, ये डाउनहिल रोड जा रही है एंड वी थिंक कि
वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे लाइट जल रही है वहाँ पे होगा म्यूजिकल फाउंटेन। बहुत कीड़े हैं यहाँ पे, थैंकफुली हम मास्क पहने वरना ये हमारे मुंह में जाते। तो हम लोग चलते चलते यहाँ आ गए, यहाँ पे लिखा है म्यूजिकल फाउंटेन शो और यहाँ से रास्ता है जाने का नीचे टूवर्ड्स द गार्डन। अब हम लोग उस गार्डन में पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें म्यूजिकल फाउंटेन दिखेगा। यहाँ का अलग टिकट है 25 rupees पर पर्सन का। ऑल्सो दिस इज़ माई मामू, मामू से हाय। हेलो, ही इज़ विद मी। इनके साथ आई हूँ मैं इस ट्रिप पे, अभी तक मैंने मिलाया नहीं था ऑफिशियली आप लोगों को इनसे, तो अब हम लोग जा रहे हैं ढूंढने। ये पार्क एक्चुअली काफ़ी डार्क है, मेरे कैमरा में ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, मतलब इतना ब्राइट है नहीं, एटलीस्ट 3 गुना ज़्यादा ब्राइट मेरे कैमरा पे दिख रहा है। यहाँ पे कोई है भी नहीं जिससे हम पूछ सकें कि बता दो भाई कहाँ जाएँ कहाँ देखें। ओके, तो अपडेट गाइज, वो जगह भी नहीं थी म्यूजिकल फाउंटेन की। हमें अपेरेंटली इसके बगल वाले पार्क में जाना है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। म्यूजिकल फाउंटेन मिल ही नहीं रहा है हमको, तो नेक्स्ट पार्क में आने का पाथ इतना डार्क था, वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, तो मुझे अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट यूज़ करके हम लोग आए हैं इधर। लेकिन अगर आप यहाँ आओगे तो कंफ्यूजिंग नहीं है क्योंकि एक ही पाथ है जाने का जिस पे हम लोग चल रहे हैं अभी, बट पाथ ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है और हमें म्यूजिकल फाउंटेन मिल ही नहीं रहा है अभी तक। ओके, हमें फाइनली जगह मिल गई है, यहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पे लोग बेंचेस पे बैठे भी हुए हैं टू सी द शो। तो हमने फाइनली देख लिया म्यूजिकल फाउंटेन, अभी भी चल रहा है शो पीछे, बट हम लोग अब निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल में, हम डिनर करेंगे। द शो वॉज नाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा, मामा को मेरे बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टली बोलो तो मेरे कैमरा में जो व्यू आ रहा था शो का, इट इज़ बेटर देन व्हाट इट लुक्स लाइक एक्चुअली। बट हाँ, इट इज़ अ नाइस प्लेस टू कम टू विद योर फैमिली। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं करने को मोर देन व्हाट आई हैव शोन यू, क्योंकि हम लोग रात में आए तो हम सारी चीज़ें नहीं कर पाए। तो फाइनली गाइज, हम लोग ने डिनर कर लिया है, डिनर वॉज रियली टेस्टी हियर। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो हमने रूम लिया था, हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया था एंड 2800 प्लस टैक्सेस जो था उसमें 15% ऑफ ऑन फूड एंड बेवरेजेस भी इंक्लूडेड था, जो कि मैं बताना भूल गई थी। डे वन तो इतना ही था, हम लोग आज हम्पी एग्जैक्टली ज्यादा नहीं घूम पाए, बट कल के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं हिप्पी आइलैंड, जहाँ पे आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड टू विजिट क्योंकि वहाँ पे काफी चीजें हैं करने को, बट वो आएगा अब नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ, डे वन इज ओवर। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन लगा, आपको ये हेल्पफुल लगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।